हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्दी के मौसम में ये दुखती उंगलियां और इससे बचाव के लिए क्या करें। इससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, पिलिंग फिंगर टिप्स या उंगलियों का छिलना आज युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के लोगों के लिए एक आम समस्या है। इसे चमड़ी का उतरना भी कह सकते हैं। इस समस्या में प्रभावित फिंगर पर जलन के साथ हल्की लाली भी आती है। यह और भी ज़्यादा तकलीफदायक तब हो जाती है जब हम टाइप करना, बर्तन या कपड़े धोना, लिखने जैसा काम करते हैं। आधुनिक समय में लोगों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, क्योंकि इससे उनके रोज़मर्रा के काम प्रभावित होते हैं। उंगलियों के छिलने की वजह से एलर्जी का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि चमड़ी के हटने की वजह से अन्य पदार्थ आसानी से हमारे संपर्क में आ जाते हैं, जिसमें से कई हमारे लिए एलर्जी पैदा करने का कारण बन जाते हैं। सर्दी के मौसम में इस अवस्था में परिवर्तन होता है। क्रोमा, कुमकुम, पौधे, फूल, धातु, डिटर्जेंट, साबुन इत्यादि कुछ ऐसे कारक हैं जो एलर्जी को बढ़ा सकते हैं। इसके उपचार के लिए कुछ सावधानियों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, जैसे किसी भी प्रकार के डिटर्जेंट वाले प्रोडक्ट से दूर रहना, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में उपचार के साथ साथ सावधानियों का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके अलावा मिर्च मसाले और नमक से अपनी उंगलियों को बचाएं। दुखती उंगलियों के लिए क्या करें। नंबर एक, सर्दी एक ऐसा मौसम होता है जब फिंगर टिप पिलिंग की समस्या ऐसे समय में हमारी उंगलियों की त्वचा मौसम के प्रभाव के कारण पिलिंग फिंगर टिप की समस्या से भी ग्रसित हो जाती है। ये कोई अनुवांशिक या फिर संक्रमण से फैलने वाली बीमारी नहीं है। नंबर दो, आजकल हमारी टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है और ऐसे में इस प्रकार की समस्याओं का ट्रीटमेंट बेहद आसान हो गया है। नंबर तीन, इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि जब यह समस्या शुरू हो तभी इसे ठीक करने का उपाय करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों से दूर रहकर हम इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। नंबर चार, इसे ठीक करने का सबसे आसान उपाय ये है कि जब ये शुरू हो तभी प्रभावित स्थान को अच्छी तरह हाइड्रेट करें, क्योंकि प्रभावित स्थान पर ऐसे ठीक करना बहुत आसान होता है। किसी अच्छी क्रीम या मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करें और ख़ास तौर पर रात को सोते समय इसे लगाना ना भूलें। नंबर पाँच, एलोवेरा जेल इस समस्या से निपटने का बेहद कारगर तरीका है। इससे त्वचा को पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है। नंबर सिक्स, सलिसिक्लिक एसिड बहुत ही तेजी से त्वचा की मरम्मत करता है। फोटोथेरेपी के माध्यम से भी आप बस कुछ सैशे लेकर ही इस समस्या से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं, वो भी बिना किसी क्रीम और दवाई के। नंबर सात, नैनो फ्रैक्शनल RF एक ऐसी तकनीक है जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रही है। इस ट्रीटमेंट को हम कुछ महीने के अंतराल पर करते हैं और इसके 4-6 सैशे के बाद पिलिंग फिंगर की समस्या से काफ़ी लंबे समय तक राहत मिल जाती है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है सर्दी के मौसम में ये दुखती उंगलियों के बचाव के बारे में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। ईट हेल्दी, स्टे फिट, लिव हैप्पीली। बाय बाय।